करदाताओं को लेकर बड़ा ऐलान, नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़कर 75,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े ऐलान करते हुए नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कैंसर रोगियों को दी बड़ी राहत, सस्ती होंगी दवाएं और इलाज के उपकरण। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कैंसर रोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। कैंसर की कुछ दवाएं और कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत मेडिकल एक्सरे मशीनों में उपयोग के लिए एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों के लिए मूल सीमा शुल्क में बदलाव का भी प्रस्ताव किया है। यूपी में बनेंगे दुनिया के सबसे हाईटेक ड्रोन मानव रहित विमान। 2030 तक $13 अरब का होगा बाजार। भारतीय सेना को यूपी के ड्रोन और मानव रहित विमान यानी यूएएस नई ताकत देंगे। पहली बार यूपी में ड्रोन व मानव रहित विमान के लिए परीक्षण और शोध केंद्र बनाया जा रहा है। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले ड्रोन टेस्टिंग फाउंडेशन में 45 करोड़ केंद्र सरकार देगी। इसके बाजार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक ड्रोन बाजार करीब $14 अरब का है, जो 2032 तक $54 अरब होने का अनुमान है। FIR इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला ने छोड़ी टीवी इंडस्ट्री, अब क्या करेंगी कविता कौशिक। कविता कौशिक ने टीवी की दुनिया से दूरी बना ली है। ऐसा नहीं है कि उन्हें टीवी में काम नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद भी एक्ट्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया। साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि टीवी तो मुझे करना ही नहीं है, मैं वेब सीरीज या फिल्में कर सकती हूँ। फिलहाल अभिनेत्री अपने पति रोनित विश्वास के साथ मिलकर आयुर्वेदिक बिजनेस कर रही है और अब वो उत्तराखंड में रहती है। भारतीय छात्रों का बांग्लादेश से पलायन, व्यापार में रोज 50 करोड़ रुपए का हो रहा नुकसान। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की वजह से हो रही हिंसा के मद्देनजर भारतीय छात्रों का बांग्लादेश से पलायन कर भारत आना लगातार जारी है। संगठन की ओर से बताया गया कि अभी भी 250 से ज्यादा भारतीय ट्रक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। भारतीय पक्ष के मुताबिक हर रोज लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई हैं।